Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to learn capital letters. So student, as you know, capital letters क्या होते हैं? आपको पता है कि capital letters आपने starting से read किए हैं. आप ये भी जानते हैं कि मैम जब कोई work कराती हैं तो उसमें मैम आपको बार बार किसी न किसी चीज़ के लिए टोकती हैं कि इसे capital बनाओ, ये small है, ये capital बनेगा. तो capital letter क्या होते हैं? The first word of a sentence always begins with a capital letter. एक सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, देखिए ये जो एक एक ये जो होता है, जैसे टी है, ये होता है लेटर, और टी एच ई दा पूरा बन जाता है वर्ड. जैसे कि एफ है वो लेटर है, और जो एफ आई आर एस टी है वो वर्ड बन गया है पूरा, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड जो है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है. जैसे कि आप ये देखिए, ये मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा है और इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो मैंने कैपिटल बनाया है. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है एक पूरे सेंटेंस का वो कैपिटल होता है. जैसे कि यहाँ पे ये फुल स्टॉप लग गया, और फुल स्टॉप लगने के बाद यहाँ से मैं कुछ और लिखना स्टार्ट करूंगी, तो उसमें जो आपका फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल बनेगा. उसका वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल बनेगा. जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग देखेंगे. अच्छा, हेडिंग जो होती है उसमें जितनी भी बड़ी हेडिंग है उसमें सब लेटर कैपिटल बनते हैं. जैसे कि मैंने कैपिटल का सी जो है वो कैपिटल बनाया है, लेटर का मैंने एल जो है वो कैपिटल बनाया है. अगर इसके सामने कुछ और दो तीन वर्ड और होते तो मैं उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनाती. फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल एग्जैक्ट नेम्स इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर. जो फर्स्ट लेटर होता है किसी नेम का, जो एग्जैक्ट नेम होते हैं, किसी जगह का नाम होता है, किसी पर्सन या किसी इंसान का नाम होता है, या फिर किसी ऐसी चीज का नाम होता है, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, मतलब रेड फोर्ट हो गया, तो अगर किसी आपको पता चल रहा है कि ये एक एग्जैक्ट नेम है तो वो क्या होगा, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. जैसे कि अगर आपका नाम अभिषेक है तो उसमें जो आपका अभिषेक में ए है वो कैपिटल आएगा. अगर आपका नाम राम है तो आपका जो राम का आर है वो कैपिटल आएगा, ठीक है. जितने भी एग्जैक्ट नेम होते हैं जिन्हें पढ़ के हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसी एक एग्जैक्ट पर्सन की या एक जगह की या किसी चीज की बात हो रही है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल आता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, द ताजमहल इज इन आगरा. अब इसमें मैंने दा जो कैपिटल है, दा का जो टी कैपिटल है, मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया है. अब मैंने इसमें ताजमहल का टी और महल का एम क्यों कैपिटल बनाया है, क्योंकि ताजमहल जो है वो एक एग्जैक्ट नेम है, ये एक मॉन्यूमेंट का नेम है ताजमहल, इसलिए मैंने ये कैपिटल बनाया है. फिर उसके बाद आगरा, आगरा का मैंने ए कैपिटल क्यों बनाया है, क्योंकि आगरा जो है वो एक सिटी का नाम है, आगरा जो है एग्जैक्ट नेम है एक सिटी का. फिर आप सेकंड देखेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे मैंने दिल्ली कैपिटल क्यों, दिल्ली का डी कैपिटल क्यों बनाया है, क्योंकि एक तो ये जो हो गया फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हो गया सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर. उसके बाद दिल्ली जो है वो भी एक एग्जैक्ट नेम है, तो इसलिए मैंने डी कैपिटल बनाया. उसके बाद देखिए, सारे जो वर्ड के लेटर है वो स्मॉल है, लास्ट में इंडिया जो लिखा है वो कैपिटल है, इंडिया का जो आई है वो कैपिटल है, क्योंकि इंडिया इज एन एग्जैक्ट नेम, इंडिया एक एग्जैक्ट नेम है एक कंट्री का, ठीक है. तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, उसमें आपको फिल करने हैं, और आपको अपने आप फिल करना होगा कि वो कैपिटल लेटर से फिल होंगे या फिर स्मॉल लेटर से. और कैपिटल लेटर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पूरे वर्ड के लेटर को कैपिटल बनाएं, ओनली फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है. सारे लेटर आपको कैपिटल नहीं बनाने हैं, फर्स्ट लेटर जो होगा सिर्फ वो कैपिटल होगा, ठीक है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.